ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अजीज अहमद है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल एंड PGMI, एंड आई डू माई प्रैक्टिस एट गेटवेल मेडिकल सेंटर इन DHA लाहौर। एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, द मेन थिंग्स दैट वी गेट ओवर हेयर, द मेन प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग द पेशेंट दैट आई गेट ओवर हेयर आर यूजुअली ऑफ डायबिटीज एंड देन ऑफ थायराइड। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। थायराइड डिजीज इज समथिंग दैट द पेशेंट, लोग ज्यादातर लोगों के बारे में इसके बारे में नहीं पता लोगों को। एक जो आपका एक थायराइड का मसला होता है, लोग समझते हैं छोटी मोटी सी बात है, थायराइड का मसला है, कुछ चेक कराते हैं कुछ नहीं चेक कराते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि उनको थायराइड का मसला है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थायराइड एक गदूद है जो अभी गर्दन के सामने की तरफ होता है। इसकी दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक में आपका थायराइड तेज़ हो जाता है जिसको हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, और एक कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हल्का हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। दोनों कंडीशन के जो है ना साइन सिम्टम्स डिफरेंट हैं, मगर इनकी इम्प्लीकेशन हैं आपकी जिस्म के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। आपका ये थायराइड जो है, इसका जो हार्मोन जिसमें जो थायरोक्सिन निकलती है हार्मोन जो है, वो एक किस्म आप समझ लें कि आपकी गाड़ी का, आपकी जो बॉडी का एक फ्यूल सिस्टम है, वो आपको रीजनरेट करता है, आपको एनर्जाइज करता है। अगर वो कम होगा, जो हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड के हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो बंदा ढीला रहता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, भूख कम हो जाती है, कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, औरतों में उनके मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, आदमियों में डिक्रीज सेक्स ड्राइव हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं। इसी तरह उसका जो काउंटर पार्ट है हाइपर थायरॉयडिज्म, जिससे बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है थायराइड का हार्मोन, उसमें ये होता है कि आपको हर जगह गर्मी लगती है, हर वक्त आपके हाथ पाँव में पसीने आते हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आप खाए जाते हैं मगर आपका वज़न नहीं बढ़ता, वज़न बहुत नीचे हो जाता है, और कई दफ़ा कुछ लोगों में दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है। और बूढ़े लोगों में ये दिल की धड़कन ख़राब होना, इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है और वो जानलेवा भी साबित होती है। तो बीइंग समथिंग वेरी डेंजरस, दोनों बहुत कंडीशन, ये वो कंडीशन दोनों बहुत डेंजरस हैं, मगर ये है कि मेजॉरिटी जो है ना इनको गोलियों से कंट्रोल किया जाता है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें आपने गोलियाँ देनी होती हैं, पहले दवाइयाँ आप देते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन किया जा सकते हैं बीच में। जो हाइपोथायराइड लोग होते हैं उनको सिर्फ गोलियों के सप्लीमेंट मिलना चाहिए, मगर वो रेगुलर लेना चाहिए उनको। तो दोनों दवाइयाँ, दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर वेरी सीरियस, बट ये जो है ना आपको टोटली ट्रीटेबल है, इसके बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये सिर्फ चीज़ें आपको ही नहीं, बाकी अभी और चीज़ों को, आपकी डायबिटीज़ को भी ख़राब करती हैं, या आपकी ब्लड प्रेशर को भी ख़राब करती हैं, या आपके और जो मर्ज़ हैं, आपके गुर्दों के मराज़ हैं, उनको भी ख़राब कर सकती हैं। तो एक ऐसी बीमारी है थायराइड की जो आपके मल्टी फंक्शन जो है, मल्टी आपके ऑर्गन्स को तंग कर सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, यहाँ पे लोगों को होता है कि आते हैं जो थायराइड का मसला है, लोग से इलाज ही नहीं कराते। मसला सबसे पहले क्या होता है, स्वेलिंग जो होती है, आपके गले के अंदर एक स्वेलिंग आ जाती है जिसे लोग गिलर कहते हैं। अब गिलर का मतलब होना या स्वेलिंग का मतलब होना कि ये नहीं कि बंदा हाइपो में, हाइपर वाले को भी स्वेलिंग आ सकती है बीच में। अमूमन हमारी यंग लड़कियों में बड़ा मसला आता है जिनको आयोडीन की कमी और थायरॉक्सिन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और उनका गर्दन जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। वो कॉस्मेटिकली भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उनके लिए हार्मोनली, और आगे बाद में अगर जब उनकी शादियाँ वगैरह होती हैं तो उनकी कंसेप्शन वगैरह में भी बड़ा प्रॉब्लम देता है ये। तो जो मेरा एडवाइस है कि आप सबसे पहले जो लड़कियाँ हैं मैं जो हैं जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं, वो जब भी देखेंगे दे आर फाइंडिंग अ फुलनेस ऑफ देयर नेक, गले में कुछ भरा भरा लग रहा है, तो उसको चेक करें, या कभी उनको लगता है कि कुछ चीज़ सूजी भी है और दबाव डाल रही है, तो अपने डॉक्टर को फ़ौरन चेक करें, दो चार टेस्ट होंगे खून के, दवाइयाँ दी जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे बीच में। तो बस मैं ना आज का ये जो था छोटा सा मैसेज जो आपको था, इसलिए था कि थायराइड की डिजीज़ को सीरियसली लीजिए, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर्स को अपना चेक करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास है, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो इसका माहिर हो, जिसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। और अगर आपने मेरे पास आना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन हैव ऑल माई इन्फॉर्मेशन ऑन ओला डॉक, ओला डॉक वाले से आप अपॉइंटमेंट में बुक भी करवा सकते हैं और आप मुझे चेक भी करा सकते हैं। इसके अलावा अपने और डॉक्टर भी देखने इस डिजीज़ वाले, वो आप और डॉक के ऐप वगैरह पर सर्च कर सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से यही है कि अपना ध्यान रखिए,
अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और कभी ऐसा कि प्रॉब्लम हो तो अपने आप जरूर डॉक्टर से चेक करवाइए।